वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम एक न्यू एग्जाम्पल के साथ हम चालू कर रहे हैं, यानी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, पोस्टर देखा था, पोस्टर के फॉर्मेट देखे, अब पोस्टर का एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा अवेयरनेस पोस्टर देखेंगे, कौन सा पोस्टर, अवेयरनेस पोस्टर, यानी हम लोग अवेयरनेस के बारे में पोस्टर देखेंगे। किसके बारे में, कि कोई चीज के बारे में हमें अवेयर करना है, कोई पॉइंट के बारे में, कोई चीज के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट, या फिर ड्रॉ करना है पोस्टर, अ पोस्टर टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस, प्लास्टिक का यूज को रोकना है या फिर अवॉइड करना है और लोगों को स्प्रेड करना है मैसेजेस, या फिर अवेयरनेस कि क्या करना चाहिए कि प्लास्टिक का यूज रोका जा सके, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि अभी मैंने फॉर्मेट बताया था, वो फॉर्मेट साथ में मैं फॉलो अप करता हूं, ठीक है। तो हमने अवेयरनेस का, ये रहा अवेयरनेस का फॉर्मेट है, अवेयरनेस का सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ इश्यू। तो हम लोग नेम ऑफ इश्यू देखते हैं, इश्यू क्या है प्लास्टिक के बारे में, से नो टू प्लास्टिक। हालांकि इतना दूर नहीं लिखना है, वो लिखा गया है, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा क्लोज रखना, ठीक है। से नो टू प्लास्टिक्स, से नो टू प्लास्टिक्स, ये रहा मेन इश्यू, मेन मुद्दा यही रहा, मेन जो आपका हेडिंग रहेगा, जो इश्यू रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्लास्टिक के बारे में ही ना कहना है, लोगों को जागरूक कराना है। उसके बाद नंबर आता है स्लोगन का, किसका नंबर आता है, स्लोगन, दूसरा नंबर आता है स्लोगन, यानी अब हम लोग एक स्लोगन बनाएंगे, राइट, जहां तक हमारी समझ है। तो डोंट बी सो ड्रास्टिक, सो से नो टू प्लास्टिक, डोंट बी सो ड्रास्टिक, इतना ड्रास्टिक मत बनो और सीधे सीधे प्लास्टिक को ना कहो, तो ये एक स्लोगन हमने बना लिया। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद सीधे हाइलाइट्स डालेंगे, फैक्ट्स डालेंगे, पहले हाइलाइट्स डालेंगे, हाइलाइट क्या रहेगा, लेट अस सी, हाइलाइट है ये सारे पॉइंट्स जो है ये हाइलाइटिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना। क्यों हम ना बोले, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि ये जल्दी सड़ता गलता नहीं है, मतलब एक बार प्लास्टिक अगर बन गया, अगर कहीं फेंक दिए तो इट मीन्स वो सड़ता गलता नहीं है, यानी वो डिग्रेड नहीं होता है, तो अर्थ पे केमिकल्स रिलीज होगा उससे, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इट मीन्स खत्म हो जाएगी, ऊपर से मिट्टी या फिर जमीन के नीचे अगर उसमें केमिकल जाएंगे तो वो पानी में भी जो हम पीते हैं ग्राउंड वाटर उसमें भी मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये एक ऐसा वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि ये कभी सड़ता गलता नहीं है, इसलिए एक खतरनाक है ये, इसलिए से नो टू प्लास्टिक। दूसरा पॉइंट, बर्निंग कॉजेज एयर पोल्यूशन, अगर इसको जलाते हैं, बर्निंग मतलब जलाना, बर्निंग कॉजेज एयर पोल्यूशन, यानी इसको जलाएंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होता है, ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स है। फिर हाइलाइटिंग कैसे भी लिख सकते हो, चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, चाहो तो मैं इसको ऐसे भी एरो भी बना सकता हूं, आपके ऊपर आप क्या करते हो, पॉइंट भी बना सकते हो, एरो बना सकते हो, चाहे तो स्टार बना के लिख सकते हो, आपके ऊपर है आप कैसे करते हो, या फिर स्क्वायर छोटा छोटा बना दो ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, इसमें कोई टेंस का या फिर कंस्ट्रक्शन का ध्यान नहीं रखना है, हाँ स्पेलिंग सही रखना है, ठीक है, इसमें कहीं भी टेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। डंपिंग पॉली बैग्स, मतलब पॉलीथीन जो बैग्स है उसको डंप करना यानी फेंकना, बर्निंग मतलब जलाने से पोल्यूशन होता है, डंपिंग फेंकने से पोल्यूट्स एनवायरमेंट को पोल्यूशन फैलता है, यानी एनवायरमेंट को पोल्यूट करने का काम करता है, ठीक है। चलो आगे, टॉक्सिक केमिकल्स हार्म सॉइल फर्टिलिटी, जो टॉक्सिक केमिकल्स उसमें से निकलते हैं प्लास्टिक में से, वो सॉइल यानी मिट्टी की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन, मतलब जिससे ऐसी मिट्टी जिसमें क्रॉप अच्छी तरह से उग सके वो उसकी फर्टिलिटी खत्म कर देगा, मतलब क्रॉप उसमें बहुत कम उगने के चांसेस हो जाएंगे, किसकी वजह से, उस केमिकल की वजह से। इट कॉजेस कैंसर, यानी इससे कैंसर भी होता है, प्लास्टिक्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम अगर नहीं ध्यान दे तो हमारी लाइफ में एक दिनचर्या बन गई है कि हम बिना प्लास्टिक के कोई सामान नहीं लाते, तो वो प्लास्टिक हर जगह हमारे लाइफ में अवेलेबल है, जिससे कि वो हमारे खाने पीने रहन सहन हर जगह आ जाता है, जिससे कि वो
कैंसर के कॉज भी बन जाते हैं, राइट, कैंसर की वजह भी बन जाते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या है, हाइलाइटिंग फैक्ट्स तो मैंने बता दिया, पहला हो गया नेम ऑफ इश्यू, स्लोगन हो गया, हाइलाइटिंग फैक्ट्स हो गया, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन जो भी है तुम्हें लिखना है बना के अपने से, और लास्ट में क्या, इश्यूइंग एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट अस सी। इंस्टीड यूज, हाँ यहां पे एक चीज और है, सॉल्यूशन भी दिया है ना हमने, अभी क्या किया, हाईलाइट तो लिखा, हाईलाइट के साथ साथ नीचे क्या दिया, डज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो हमने हाईलाइट बता दिया, और इंस्टीड इसके बजाय क्या यूज करो, इंस्टीड मतलब कि के बजाय, के जगह पे यूज करो, के बजाय यूज करो, क्या यूज करो, पेपर बैग्स, जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स। मैंने देखो यहां पे क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स है कुछ ऐसे स्टार टाइप के बना दिए हैं, तो आपके ऊपर आप कैसे पॉइंट्स लिखते हो, पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, जूट बैग्स। हाँ एक चीज याद रखना, जो आप हेडिंग डालोगे, जो इश्यू रहेगा या फिर जो स्लोगन रहेगा, वो सबको कैपिटल करना, ठीक है, थोड़ा स्ट्राइकिंग दिखेगा कैपिटल रहेगा तो। और चाहो तो तुम ये सब भी कैपिटल कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को है। और उसके नीचे मैंने क्या एक लाइन खींच दिया, जैसे कि आपको दिखेगा एकदम अलग दिख रहा है ना, इंस्टीड यूज, ये सारे पॉइंट्स तो हाईलाइट बता दिए, उसके बाद क्या यूज करना है वो देखते हैं। सॉल्यूशन, पेपर बैग यूज करो, क्लॉथ बैग्स, जूट बैग्स, और लास्ट में मैंने क्या बोला था कि कौन इश्यू किया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो या फिर जो भी संस्था है जिसने ये पूरा पैम्पलेट या फिर पोस्टर इश्यू किया है। तो इश्यू किसने किया है, मान लो कि शहर में है, सूरत शहर में, तो कौन इश्यू करेगा इसे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कौन इश्यू करेगा, यहाँ पे डॉट बनाना भूल गया, कॉलन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ सूरत गुजरात। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपको जब एग्जाम में आएगा तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करना है। सबसे पहले क्या है, ये आपको टॉपिक रहेगा, टाइटल रहेगा, उसके बाद आपको स्लोगन, उसके बाद हाइलाइटिंग पॉइंट्स जो भी है ना, जो नुकसानदेह है या फिर क्यों ये चीज हमें अवॉइड करना चाहिए, फिर इंस्टीड इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी लिख सकते हो। यहां पे कोई चीज बाउंड नहीं है, राइट, हाँ वर्ड या फिर टेंस का यहां पे थोड़ा भी ध्यान नहीं रखना है, यहां पे टेंस आएगा ही नहीं, अपने हिसाब से गुड वर्ड्स लिखो जो आपको सही लगे, ठीक है। और लास्ट में आपका इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, मतलब पब्लिक के लिए जनहित में जारी है, किसने जारी किया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सूरत। एक चीज और कर सकते हो, चाहो तो आपको, अगर मैंने यहां पे बताया था कि अगर चाहो तो तुम्हें अगर डायग्राम बनाने है तो डायग्राम बना दो, अगर नहीं बनाने आ रहा है तो सिंबल यूज करो, क्या यूज कर सकते हो आप, अगर ये नहीं बना पा रहे तो सिंबल भी यूज कर सकते हो, है ना, राइट, अगर डाउरी है दो हैंड बना के उसको क्रॉस कर दोगे, है ना, दो हैंड बना के क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, ठीक है ना। या फिर प्लास्टिक्स के बारे में ही है तो तुम चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लास्टिक बैग के बारे में है तो प्लास्टिक बैग यहाँ पे बना ही लेते हैं, ठीक है, मान लो ये प्लास्टिक बैग है, ठीक है, प्लास्टिक बैग हुआ, ठीक है, प्लास्टिक बैग हुआ है ना, तो इसको क्या करोगे, से नो, मतलब क्रॉस कर दो, है ना, तुम्हें अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, ये तो मैं एक सिंबॉलिक बताया है कि ऐसा होना चाहिए। चाहो तो तुम बॉटल भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, चाहो तो प्लास्टिक का बॉटल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, प्लास्टिक का बॉटल भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, तो प्लास्टिक का बॉटल क्रॉस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो, दिखा सकते हो, राइट, विजुअली आपको वर्डिंग्स दिखा दिया, अब विजुअली भी आपको कोई ना कोई सिंबल यूज करो या फिर पिक्चर यूज करो, पिक्चर नहीं आ रहा है तो सिंबल यूज करो, सिंबल नहीं यूज कर पा रहे तो कोई बात नहीं। और मैंने एक तरीका बताया है, ये भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें ना तो पिक्चर बनाने आता ना तो सिंबल बनाने आता, तो एक काम करो, ऐसे आप क्या बनाओगे, ऐसे स्टार जैसे ओपन ऐसे एक बॉक्स जैसे बना दोगे, बॉक्स नहीं बोलूंगा इसे, स्टार का एक स्ट्रक्चर बनाओगे जिसके अंदर आप लिखने के लिए जगह छोड़ोगे, राइट, आप जो चाहे सो लिख सकते हो, मैसेज दे सकते हो, समझ में आया,
आई थिंक ये आपको जरूर समझ में आया होगा, जरूर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको समझ में आया तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू द नीडी। जो भी इस साल स्टडी कर रहा है तो अगर ये आपके बोर्ड में आया है, स्कूल्स में आ रहा है, तो डेफिनेटली इसे शेयर करो, राइट, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न इट विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। दैट इज ऑल, थैंक यू। अभी हम फिर दूसरे वीडियो में देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। टिल देन बाय बाय।